विदेशों में तेजी के रुख के बीच देश में तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन और सोयाबीन तिलहन में सुधार आया, जबकि सीपीओ और सोयाबीन इंदौर तेल की कीमतों में गिरावट। सामान्य कारोबार के बीच कुछ तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों ने बताया है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.34% और शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल लगभग 1% की तेजी है। विदेशों में तेजी से घरेलू बाजार में सरसों, मूंगफली तेल तिलहन और बिनौला तेल की कीमतों में सुधार आया। वहीं दूसरी ओर मांग घटने से सीपीओ सोयाबीन तेल इंदौर के भाव हानि दर्शाते बंद हुए। सूत्रों का कहना है कि सलोनी शमशाबाद में सरसों का भाव 8,650 रुपये से बढ़ाकर 8,900 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जिससे सरसों तेल तिलहनों के भाव में सुधार देखने को मिला। हल्के तेलों की मांग बढ़ने के बीच मूंगफली तेल तिलहन के भाव में भी सुधार आया। मूंगफली की कीमतों में सुधार आने से बिनौला तेल की मांग में भी सुधार आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 महीनों में मूंगफली के भाव में लगभग 30 रुपये प्रति किलो यानी कि 20% की गिरावट आई है। सूत्रों का कहना है कि सोयाबीन के किसान कम भाव पर सोयाबीन की बिक्री नहीं कर रहे हैं, जिससे सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूस की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। सूत्रों का कहना है कि जाड़े में जमने वाले तेल की मांग प्रभावित होती है, जिसकी वजह से कच्चा पाम तेल यानी कि सीपीओ की कीमत में हानि दर्ज हुई है। इसके अलावा पामोलिन के सस्ता होने से भी सीपीओ में गिरावट को बल मिला। बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।